नमस्कार, एनबीसी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। खबरें शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश की महिला कुश्ती गिरी ने महिला रक्षा समिति नागपुर की ओर से नूतन रेवतकर के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया जाए और सांसद के रूप में उनके लंबे समय के कार्यकाल को रद्द किया जाए। ब्रजभूषण सिंह पर पॉक्सो समेत दो मामले दर्ज हैं और उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अपने देश का नेतृत्व करने वाली और वैश्विक स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करने वाली महिला एथलीटों को अपने लिए न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, यह हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अब तक करीब 20 विधायक, सांसद और पदाधिकारियों पर महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। भाजपा की नीति है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में भाजपा के अधिकारियों को अत्याचार करने दो और ये महिला विरोधी सरकार है। प्रधानमंत्री ब्रजभूषण सिंह की सांसद को तत्काल रद्द करें, गिरफ्तारी की मांग भी इस मौके पर की गई। इस दौरान बबीता मांडवकर, प्रीति बेले, शकुन सनेश्वर, हफीजुनिसा अली, माया निवालकर, राधा सेलुकर, सोनाली गनर, गीता नंदनवार, भावना बेलवंशी, सोनल रेवतकर, तारा चावरे, प्रमिला ब्राह्मणकर, साक्षी थावरे, बरखा मांडवकर मौजूद रही। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष, भारतीय जनता पक्षाचे खासदार हे ब्रजभूषण सिंह आहेत। आमच्या देशासाठी सन्मान मिळवून देणाऱ्या अनेक कुस्तीगीरपटू यांचा शोषणाचा त्यांच्यावर आरोप आहे। त्यांनी अनेकांचे शोषण केलेले आहे, त्यांच्यावर आरोप झालेला आहे। इतकेच नाही तर आज जंतर मंतरला दिल्लीला ते लोक बसलेले आहेत। कशासाठी? तर न्यायासाठी। आज आमच्या देशासाठी सन्मान मिळवून आणणाऱ्या महिला कुस्तीगीरपटू त्यांना आज न्याय मागायसाठी रस्त्यावर उतरावं लागलेलं आहे, ही आमच्या देशाची एक शोकांतिका आहे। भारतीय जनता पक्षाचे खासदार असलेले हे ब्रजभूषण सिंह यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल झालेले आहे। इतकेच नव्हे तर पॉक्सोचा सुद्धा गुन्हा दाखल झालेला आहे। आमची मागणी आहे की पॉक्सोचा गुन्हा दाखल झाल्यावर सुद्धा आपण जर त्यांना अटक करत नाही तर तुम्ही काय न्याय देणार? जोपर्यंत तुम्ही अटक करणार नाही, चार्जशीट कशी पाठवणार आणि महिलांना न्याय कसा मिळणार? आपण जर बघत असाल तर भारतीय जनता पक्षाचे अनेक आमदार आणि खासदार यांच्यावर गुन्हे दाखल आहे। अनेक महिलांच्या अत्याचारामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, खासदार इन्वॉल्व आहे। याच्यामध्ये मग ते कुलभूषण सेंगर असो की हे ब्रजभूषण सिंह असो की आणखी कुणी असो, तुम्ही जर बघितलं तर आज तुम्ही रिकॉर्ड जर काढला तर गुजरातला जे गँगरेप झालेला होता त्याच्यामध्ये सुद्धा बीजेपी लीडर इन्वॉल्व होता। तर भारतीय जनता पक्षाचं जे आमचे पंतप्रधानजी म्हणतात बेटी बचाओ बेटी पढाओ, बेटी क्यों बचाओ ताकि बड़ी होके ये बीजेपी वाले उनका रेप करे, उनका विनय भंग करे, उन पर अत्याचार करे, इसके लिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो। और एक बार तो मेरे ख्याल से खुद मोदी जी ने अनजाने में सही लेकिन सही बात उनके जवान से आ गई थी कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के विरोध में है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली पार्टी है और इनके पार्टी के नेता होने की वजह से ये लोग उन पर कार्रवाई करने से डरते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन्होंने गुनाह तो दाखिल कर लिया लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको अटक होनी चाहिए और इतना ही नहीं तो उनकी खासदार की रद्द होनी चाहिए। इसीलिए हम नागपुर से हम सभी महिलाएं, ये कोई राजनीतिक पार्टी की महिलाएं नहीं है जो सामने हैं, ये आम जनता में से महिलाएं आई हुई है। हमारी सभी की मांग है कि ब्रजभूषण सिंह की खासदार की रद्द होनी चाहिए और उन्हें तुरंत अटक होना चाहिए, तभी आप पॉक्सो में सही तरह कैसे कार्रवाई करोगे ऐसा हमें विश्वास है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।